गाइस यहाँ पे हम लोगों को लग गई है बहुत जोर से भूख, तो एयरपोर्ट में बैठ के खा। हमारे पति देव को तो इतनी भूख लग रही है, शुरू भी हो गई क्या है? अब शुरू भी हो गए, वेट नहीं कर सकते। फ्रेंच फ्राइज मंगाई है, बर्गर है और कोक है ना? एम आई राइट? कैसा हुआ? मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर इसको वो कर दो, फिर ओपन तो कर दो। कैसा हो रहा? तो इतनी जोर से भूख लग गई है ना, बाकी सारा काम उसके बाद। दो घंटे तो हम लोग लाइन अप काफी था ना। हाँ, दो घंटे तो वहाँ पे चेकिंग वाली लाइन में लग गया था। हम लोग ट्रेन से उतरे तो दो घंटे तो इनफ हमारे पास, अभी दो तीन घंटे हैं ना, तीन चार घंटे बाद की हमारी फ्लाइट। तो अभी अगर मैं बताऊँ आप लोग को, सो गाइस आप ये बताएंगे कि कौन सी जगह में रुके हैं अभी हम? कंट्री का नेम नीदरलैंड। ओके, तो यहाँ पे अभी की हमारी यहाँ से चार पाँच घंटे बाद की फ़्लाइट है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट उतरेंगे कनाडा टोरंटो, वहीं उतरेंगे और लेने इनके दोस्त आएंगे हमें, फिर ही जाके राहत मिलेगी। जब तक घर के रो ना, अपने रूम में बैठ के बिस्तर में आराम से, हमें तो कमर दर्द हो गई है कुछ, तो भूख से भी हो गई क्योंकि सुबह 9-10 बजे के आसपास किया था हमने ब्रेकफास्ट, ठीक है? तो अगर इंडिया के हिसाब से बोले तो 9:30 बजे अगर हमने ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी बज गया है, लैंड होने से एक घंटे पहले मिला था। हाँ, राइट, 4 बज के 10, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट अभी 3 घंटे ओवर हो गए। और सबसे बड़ी बात है ना, लाइन में जब खड़े रहे ना कस्टम के, तो वहाँ पे खड़े खड़े ना, तो अगर मैं बताऊं तो अभी इंडिया के हिसाब से यहाँ पे 4:10 हो रखा है, मगर इधर के हिसाब से 12:41 हो रखा है टाइमिंग इधर। तो मुझे बहुत जोर से भूख लग गई, मैं खाती हूँ। फ्रेंच फ्राइज बहुत गर्म गर्म बस मेरा भी कैचअप खोल दो, फिर बर्गर खाएंगे हम लोग। गाइस यहाँ पे हम लोग ने फिनिश कर दिया है, तो इन्हें तो सब कुछ फिनिश कर दिया, मेरी बस कोल्ड्रिंक बची है, बर्गर कुछ सब कुछ खा दिया। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ पे का व्यू। तो कुछ ऐसा है नीचे से, हम लोग ऊपर आए हैं होटल में खाने के लिए, तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा है आप देख सकते हो। और नीचे का हाल तो सारी शॉप्स मिलेंगी आपको, ये पर्स की हैं, खाने पीने की, कपड़ों की, सॉफ्ट टॉयज की, हर चीज़ की आप लोग को मिलेंगी। तो चलिए थोड़ा हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद शॉप्स में जाके देखते हैं, अगर कुछ लेना है तो एक चक्कर सारी शॉप्स में देखेंगे, अगर कुछ पसंद आता है तो। और यहाँ पे एक क्यूट सा ये भी है, प्लेन भी बना रखा है बच्चों के लिए, बच्चे खेल रहे हैं उसमें, प्लेन के अंदर सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं अपनी। गाइस ये है एम्स्टरडैम के एयरपोर्ट की मार्केट, एक तरीके से मार्केट ही बोल लो, ये ड्यूटी फ्री शॉप्स है। ओके, तो चॉकलेट्स, गोरे लोग मैं बोल रही हूँ गोरे लोग, दिखाती हूँ गाइस आप लोगों को, आप लोग को यहाँ मोस्टली गोरे और सारी मतलब नॉर्मल लगेगा। आप लोग इंडिया में फ़ोटोज़ खींचने के लिए मरे जाते हो ना, तो यहाँ आप लोग को नॉर्मली लगेगा सब चीज़ सब। एक तो मेरे बगल से ही जा रहा है, तो ये गुची की ब्रांड, ये है गुची का शोरूम। क्या क्या है इसमें? पर्स और बेल्ट्स और गॉगल्स हैं, और ये देख सकते हो आप लोग, ये जो जिन जो जो गोरे देखने के लिए वो होते हैं एक्साइटेड, तो देख लो गाइस, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग हैं। ये क्या है? ये कैंडीज का है कि फ्लावर्स के? नकली फ्लावर्स हैं, और ये सॉफ्ट टॉयज भी हैं इसमें, और कैंडीज वाला ये है ना, ये है, और यहाँ पे भी है सॉफ्ट टॉय।
चले। और ये सेल में पर्स और ये ग्लासेस की, और एक झलक मैंने आप लोग को ऊपर से दिखाई दी थी, ऊपर वहाँ पर हम लोग खा रहे थे, तो ये है नीचे की। यहाँ पे आप लोग को मेरा ड्रेस अब थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, वो इसीलिए क्योंकि मेरे प्रिय हस्बैंड जी ने बैग खोल के, ताला लगा हुआ बैग, ताला खोल के नीचे से बुलन ये निकाल के मुझे पहना दिया। ठंड किसको लग रही थी आपको? कितना ठंडा हो रहा है, लोग लॉन्ग कोट और जैकेट पहन के घूम रहे हैं, और मैं एकदम चंपू चंपू लग रही हूँ। चंपू चलेगा अभी फिलहाल, सेहत अच्छा होगा। नहीं ना, थोड़ा तो होना चाहिए, मैं इतनी अजीब सी लग रही हूँ। अच्छी लग रही, हाँ तो बोलो भी, अच्छी लग रही है। तो गाइस, तो ऐसा कुछ कर दिया इन्हें मेरा हाल। यहाँ पे हमें लगी थी फिर से भूख, तो इन्हें करी अपने के लिए कॉफ़ी ऑर्डर, और मैं खा रही हूँ कपकेक्स, चॉकलेट सॉरी मफिन, ही चॉकलेट मफिन अच्छा है क्योंकि भूख ही लगी है। अच्छा क्यों लगी है? उस वजह से वो अच्छा नहीं, वह भी अच्छा है। हम लोग ये खा रहे हैं, अभी 2 घंटे और है ना, हमारी 1.5 घंटा और है, तो 1 घंटे रेस्ट करेंगे। आधे घंटे पहले से चेक इन स्टार्ट होने लग जाती है, तो अभी 1.5 घंटा और बैठे रहना है हमें। तो अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में अभी बजने वाले हैं 7:15 हैं, ओके, और यहाँ हुआ है 3:18 हो रखा है दिन का इधर, तो ये हाल चल रहा है इधर। मगर हम पहले ये खाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे वोटिंग लाइन पे, क्योंकि खाना है बहुत बहुत ज़रूरी है ना। बोर्डिंग पास हमारी हो गई है, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी फ्लाइट में, तो ये सीधे हमें बचाएगा हमारी फ्लाइट में। दोनों जा रहे हैं,
वेरी 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 एक्साइटेड. सो गाइस अब हम लोग बैठ गए फ्लाइट में. तो फ्लाइट में बन गए सारे पैसेंजर्स बैठ गए अपने और बाहर का कुछ ऐसा है नज़ारा. सी प्लेन इसके बाद जब उड़ेंगे मैं फिर दिखाऊंगी. सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा प्लेन चलने लग गया है. तो अभी इतनी स्पीड में चल रहा था ये प्लेन और धीरे धीरे जब इसने स्पीड पकड़ी और अब ये भरेगा उड़ान. तो मतलब शुरू में तो ये धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है और इतनी तेज़ बढ़ाता है. अभी धीरे धीरे हमारा प्लेन ऊपर को आने लग गया है. आप लोग का धीरे धीरे अंदाजा आ जाएगा. देखो धीरे 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 हम लोग ऊपर जा रहे हैं और आप ऊपर पहुंच गए. तो मतलब बहुत देर तक तो ऐसे मतलब जो प्लेन होता है वो ऐसे टेढ़ा ही रहता है क्योंकि ऊपर उसको उड़ान भरनी होती है. तो बहुत ऊपर तक मतलब बहुत ऊपर तक प्लेन टेढ़ा ही होगा. उस टाइम पे हम सब लोग टेढ़ हो जाते हैं जिसके लिए मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो सीट बेल्ट पहनना. तो जो जिस सीट में आप लोग बैठे थे उसमें बेल्ट दी गई होती है वो पहनना होता है आप लोग को. तो एक बार आप लोग देखो पूरा प्लेन मतलब अभी टेढ़ा ही है. तो सब लोग यहाँ पे एक बार आके चेक भी करते हैं बेल्ट पहनी नहीं पहनी. तो गाइस अब आप लोग देखो यहाँ पे ये ऊपर का सीन है. मतलब ऊपर से मतलब फ़ोन में आई डोंट नो आप लोग को इतना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है. मतलब अभी भी अच्छा लग ही रहा है मगर सामने से इतना प्यारा लग रहा था ना. मतलब बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स देखो आप लाइन टू लाइन से मतलब बिल्डिंग्स ही हैं. रोड एक साइड में रोड ही है एकदम लाइन से लगा रखा है. और मतलब ऊपर का सीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. मतलब बहुत इंजॉय कर रही थी मैं ऊपर से देखने में रियलिटी में जब मैं अपनी आईज से देख रही थी. अब आई डोंट नो आप लोग को वीडियोज़ में इतना मज़ा आ रहा है नहीं. सो गाइस अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे बादलों की वादियों के बीच में. आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है ये. मतलब ऐसा फील आ रहा था ना मतलब कहाँ जो मैं उड़ रही हूँ. मतलब ऊपर से जब ये बादलों की वादियों की जब हम बीच में पहुँचे तो हमारा प्लेन लेफ्ट राइट ऐसे टर्न हो रहा था. तो उस टाइम पे भी इतना सुंदर लग रहा था ये. और मैं बताऊँ ये बादलों के नीचे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था ना पेड़ पौधे कुछ नहीं. इतना ऊपर हमारा प्लेन आ चुका था और इतना ब्यूटीफुल आप देख सकते हो सनसेट. उस टाइम सनसेट का टाइम था तो सनसेट हो रहा था. इतना सुंदर लग रहा था सनसेट होते टाइम. उसके बाद गाइस अब आप लोग देख सकते हो ये है नाइट व्यू. हम लोग अब टोरंटो में पहुंच ही गए ऑलमोस्ट. थोड़ी देर बाद हमारी फ्लाइट उतर जाएगी. तो मतलब ऊपर से इतना सुंदर लग रहा था ऐसा लग रहा था ना मतलब मैं ऊपर से देख रही थी तो जैसे हमारे वहाँ इंडिया में दिवाली के टाइम पे घर पूरे चमकाए रहते हैं ऊपर से ऐसा लग रहा था. ऐसा लग रहा था पूरी दिवाली. और तो गाइस यहाँ पे अब हम लोग अपना लगेज ले रहे हैं. तो एक बैग तो मिल गया है बाकी का वेट कर रहे हैं यहीं पे आएगा. हमारे दो बैग और बचे हैं. लेट्स सी कौन सा है ना. लेट्स सी कौन सा है हमारा बैग. तो ये ऐसे गोल गोल घूमने में है. This is Canada Airport. Guys, यहाँ पे अपना लगेज लेके यहाँ पे हमने अपना लगेज ले लिया है और वेट कर रहे हैं इनके दोस्तों का. आ जाएंगे थोड़े यहाँ से घर का है आ जाएंगे. हाफ एन आवर की टाइमिंग है तो लग जाता है इतना. तो हो गए हैं 15-20 मिनट हमें वेट करते हुए. अब आ जाएंगे तो फिर सीधे उन्हीं के साथ जाएंगे और मिलेंगे आपसे अपने रूम में है ना. सीधे घर में ही मिलते हैं आप लोग. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी को. तो हम लोग रात में पहुंच गए थे कनाडा 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे. तो अभी मॉर्निंग हो गई है तो रात में मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे. इतनी नींद आ रही थी मतलब मैं तो ऐसे टपक रही थी तो मैं सीधे सो गई थी. तो अभी मॉर्निंग के इधर बज रहे हैं 8:10 हो रखे हैं. तो उठ गए थे हम लोग. और इंडिया के हिसाब से कितना टाइम हो रहा है अभी हैं. इंडिया के हिसाब से कितना टाइम हो रहा है अभी. अभी हो रहा होगा 5:50 शाम के 5:50 हो रखे होंगे इंडिया में. तो लग गई थी हमें भूख तो हम लोग लेकर आए अपने के लिए थोड़ा बना के. मैं
मैं चाय पानी कुछ नहीं पीती, तो मैं लेकर आई हूँ जूस अपना और ये अपनी चाय और ये एग एंड चीज सैंडविच ये लेकर आए हैं। तो भूख लगी थी बहुत सारा और साथ में चाय है इनकी, तो हम लोग ये खा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एम्स्टरडैम से लेके कनाडा तक आप लोग को मज़ा आया होगा। तो आगे बनते रहूँगी बनाते रहूँगी मैं ऐसे कनाडा की वीडियोस। आज तो पहुँच गए हैं हम लोग, तो उसके बाद अब रोज़ाना आप लोगों को कनाडा की नई नई वीडियोस मिलेंगी। अगर आप लोग को कोई भी देखना है और ऐसे कोई भी वीडियोस देखना है स्पेशली, तो मुझे बता देना, जैसे इस चीज़ के ऊपर बनाओ इस चीज़ के ऊपर बनाओ, तो एक एक करके मैं बनाते रहूँगी। उससे पहले जहाँ जहाँ मैं जाते रहूँगी या कुछ कुछ भी होगा तो उसकी वीडियोस मैं अपनी तरफ से बनाऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जर्नी हमारी अच्छी लगी होगी। तो कौन कौन फर्स्ट टाइम देख रहा था, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो भी मतलब जिनके भी गए होंगे रिलेटिव्स, ऐसे कंप्लीट वीडियो बना के आज तक किसी ने नहीं डाल रखी होगी नहीं देखी होगी। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो मोस्टली जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनका भी फर्स्ट टाइम होगा। तो आप लोग ने भी इंजॉय किया होगा, होप यही करती हूँ मैं आप लोग से। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है और आगे भी आप लोग को ऐसे ही बने रहना है हमारे साथ, तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर वीडियोज़ को, और चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप लोग ने अभी तक नहीं किया है, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आप लोग देखते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ताकि नोटिफिकेशन भी आ जाए, आप लोग को पता चल जाए कि मैंने नई वीडियो अपडेट कर दी है, अपलोड कर दी है, और आप लोग के पास अपडेट पहुँच जाए। तो उसको आप ढेर सारा सपोर्ट करें अपना और प्यार करें। तो अगर वीडियो पसंद आती रहती है मेरी, तो जल्दी से ज़्यादा करके शेयर कर दो। और मिलते रहूँगी नई नई वीडियोज़ के साथ, कल फिर से नई वीडियोज़ के साथ मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।